समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी सरल हृदय हसमुख शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री नरेश कुमार गुप्ता जी फर्म हनुमान राइस ट्रेडर्स एवं एचआर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप चावल के थोक विक्रेता एवं एक्सपोर्टर हैं। आपकी फर्म में सन 1977 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमरज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज ऐसे महान व्यक्ति से ऐसी हस्ती से मैं साक्षात कर रहा हूँ और आपसे करवा रहा हूँ और मुझे करके मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि आज ऐसे महान व्यक्ति जिसने सेवा ही सेवा नया बाजार में दिल्ली नया बाजार में आप पैदा हुए, यहीं शिक्षा ग्रहण की और यहीं व्यापार में आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए दिल्ली गृह मर्चेंट एसोसिएशन में 3 बार अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। अभी वर्तमान में आपका ही चल रहा है। आप किसी भी समय बार बार आने का मतलब क्या होता है? एक बार दो बार तीन बार आने का मतलब है कि कुछ समाज में कुछ व्यापार में इसी तरह समाज में आपका रहता है। ऐसे महान व्यक्ति का नाम है श्री नरेश कुमार जी गुप्ता, दिल्ली गृह मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष। उनसे आप रूबरू आपका साक्षात करवा रहा हूँ। भाई जी, प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार आदरणीय हनुमानमल जी और सभी मेरे व्यापारी भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार और हनुमानमल जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 53 साल से इस बाजार में व्यापारियों में सभी प्रकार की सेवा की, निष्काम सेवा की, और जो आप संबंध करवाते हैं या जो भी आप अपना ये लिखने का और का आपका जो मधुर भाषी हैं और बहुत अच्छी आपकी लेखनी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। पिछले 53 सालों से मैं आपको जानता हूँ, तो बचपन से ही आप इस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, जो कि जिसका लाभ सारे व्यापारी समाज को सभी को होता है। इससे आपके इस कार्य से और आपके जो संस्कार हैं इनसे बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है, इसलिए आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपने बारे में जरा सा बताइए, इतना कैसे आपने प्रेरणा जगी, ये उपलब्धि कैसे हुई, इतना 3 बार यहाँ आना और समाज सारी बार बार समाज में प्रवेश कैसे रहा? मैं जब इस व्यापार में आया तो हमारे यहाँ फूड ग्रेन का व्यापार था, इसमें बहुत सारे सरकारी दिक्कतें थी, लाइसेंस की, जी माल कहीं भेज सकते हैं, कहीं चावल भेज सकते हैं, कहीं नहीं भेज सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शन थी इस व्यापार में। तो मेरा मन में एक पीड़ा थी कि भाई जो हमारे बुजुर्ग व्यापार कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, करना शुरू किया है, और उसमें सरकारी जो इतनी रिस्ट्रिक्शन है, इतनी पाबंदियाँ हैं, तो ये हमारा व्यापार पाबंदियों से मुक्त होगा, इसलिए हम बुजुर्गों के साथ इस व्यापारी संगठन में लड़ाई लड़ने लगे सरकार से, और सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और सभी ने उसमें सहयोग किया। तो आज ये पोजीशन है कि जो हम उद्देश्य लेके चले थे कि भाई व्यापार को हम लाइसेंस मुक्त कराएंगे, तो हमने इस व्यापार को लाइसेंस मुक्त भी करवाया और जो रिस्ट्रिक्शन थी स्टॉक लिमिट की वो सब ख़त्म करवाई। तो इसीलिए हमने लड़ाई लड़ी थी और इसी लिए कि भाई हमारा व्यापार जो जिसमें कि हमारे बुजुर्ग इतना परेशान होते थे दुनिया भर के लाइसेंसों की, रिस्ट्रिक्शनों की, इंस्पेक्टरों का एक किस्म का हर समय डर लगा रहता था और इंस्पेक्टर
मतलब राज ऐसा था कि इंस्पेक्टर ही हर समय हमारे ऊपर नंगी तलवार हमारे व्यापार पे लटकाए होते थे। तो उन सब कानूनों को हमारा उद्देश्य था कि भाई इनसे हमें मुक्ति मिले। और मैं समझता हूँ कि 99% ऐसे कानूनों से हमने व्यापार को मुक्ति दिलाई है। यही हमारा उद्देश्य था, इसीलिए मैं इस संगठन में काम करने लगा बुजुर्गों के साथ। और उसमें कामयाबी आप सबके सहयोग से, सभी व्यापारी भाइयों के सहयोग से कामयाबी मिली, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हनुमानमल जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जो समय समय पर व्यापारियों के बीच में अपना कोई ना कोई धार्मिक और सामाजिक काम करके, सेवा करके व्यापारियों में एक जोश पैदा करते हैं, उसके लिए इनके बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो मैं आपके संस्कारों से आपके बच्चों में, आपके और व्यापारी भाइयों में सब ये प्रेरणा आपसे मिले, यही मैं सभी से आग्रह करता हूँ। हमारा चावल का व्यवसाय है और ये 1977 से है, जब सरकार ने चावल के व्यापार पे स्टॉक सीमा और ये सारी मुक्त किया था। उससे पहले चावल का व्यापार FCI कॉरपोरेशन वगैरह करती थी, तो उसमें लोगों को अच्छी क्वालिटी का और एक्सपोर्ट का व्यापार है हमारा, तो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं हम चावल एक्सपोर्ट करके। ये हमारा व्यापार के बारे में, नहीं हमारा सारा परिवार देखता है, संयुक्त परिवार है और भाई भी देखते हैं और बच्चे भी देखते हैं। हमारी हनुमान राय ट्रेडर्स के नाम से फर्म है और एक हमारी कंपनी है HR एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हमने भी नाम जो है, हो सकता है आप लोगों का नाम से ही रखा हो। और आपका भी बहुत बहुत। मैं अमरज्योति डायटी जय सुदोक पत्रिका परिवार और डिजिटल डायटी भी ले लेता हूँ असुराय की तरफ से भी, मैं सभी व्यापारी भाइयों का और प्रधान जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने अपना समय कीमती समय निकाल के समय दिया, धन्यवाद।